हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है निरेश यू में। और आज हम लोग जिस पर रिएक्शन करने वाले हैं, ये एक स्टैंड अप कॉमेडी है जिसका नाम है मेरी इंटरकास्ट मैरिज। आई हैव नो आइडिया, बट जिसको देख के लगता तो है काफी इंटरेस्टिंग होगी। तो ज्यादा ना करते हुए इस वीडियो को यहीं पर हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ओके, कांग्रेचुलेशन ब्रदर। दिमागों में चल रहा कि झूठ बोल रहा है साला। सच बोल रहा हूँ मैं, एक्चुअली अंदर से खूबसूरत हूँ। मेरा पहली बार पता नहीं चलता, मेरे साथ 5 साल बिताना पड़ता है और वो भी इंटर कास्ट हुई थी। काफी यंग लोग बैठे आज, मुझे लगता है कास्ट पे बवाल थोड़ी, रिलीजन बवाल होता है, कास्ट वास्ट तो सेम ही होता है। मुझे भी ऐसा ही लगता था जब तक कोई नहीं थी। मुझे बचपन से रिलीजन का क्लियरिटी थी कि अगर बीइंग हिंदू मैंने मुस्लिम लड़की से शादी कर ली, अगले दिन हम दोनों पॉलिथीन में पाए जाएंगे। कास्ट का मुझे कभी कोई आइडिया नहीं था। तो डेट करते हुए 5 साल हो गए और हमने डिसाइड किया कि अब शादी करते हैं। तो हमने सोचा जो खुशखबरी हमने आउट ऑफ नो वेयर क्रिएट की है, इस खुशखबरी को अपने माँ बापों में भी ट्रांसफर करते हैं, उनका जीवन भी खुशियों से भर दे। और गर्लफ्रेंड ने जोश में पहले अपने घर पे बता दिया। उसके घर में ना कास्ट की दिक्कत थी, क्लियरली थी। एक दिक्कत और थी कि इतना बवाल इसके लिए। चैरिटी कर रही हो क्या? ओह माय गॉड, ये तो बहुत ज्यादा है। इसमें क्या पापा वो अंदर से खूबसूरत है? ये बिना बताई हुई चीज है थी। ऑस्ट्रेलिया यार, ये बहुत बुरा होना चाहिए। मेरे मतलब टेंशन मत लो, हम 24 ना क्लास वास्ते बहुत ऊपर उठ चुके हैं। तो मैं जाऊं अपने सुपर हीरो पापा को बताऊंगा, मतलब तुम्हारे पापा से ऐसी बात करेंगे अगले हफ्ते शादी। मैं अपने पापा को लेकर इतना ओवर कॉन्फिडेंट था। अगले दिन ऑफिस जाने के पहले पापा के पास पहुंचे, पापा और गांव से एक चाचा आए थे, दोनों बैठ के चाय पी लेते। मैंने ना पिच की नमी देखी ना हवा का रुख, सीधे यॉर्कर अटेम्प्ट कर दिया। ओह गॉड, एक मैडम को डेट कर रहे थे, 5 साल हो गया था, उसने सोचे शादी वादी का, तो 5 साल इज वेरी लॉन्ग। अब तक थोड़ा मना लीजिए ना। अब कह रहे हाँ बेटा मना लेंगे, एक बार हमको भी तो मना लो। पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में आया कि इनसे भी तो परमिशन लेने लिया। ऑर्डर दे रहा हूँ। फिर दोनों में बैठे जो चाचा थे ना, वो बोल रहे कुछ नाम पता बताओगे कि गुड़गांव के सारे नाराज माँ पापा को मनाना है। आप किसी गेहूं रंग के लड़के की वजह से परेशान है, अंडे का समूह है उसका, हमारा ही है। फिर मैंने नाम बताया तो चाचा कह रहे नाम क्या बता रहे, पूरा नाम बताओ। यही तो जाल है शहरों में, जब आपसे आपको पूरा नाम पूछते हैं ना, उनके नाम इंटरेस्ट रहेगी। बात बोली मुझे बचाने के लिए, शायद मुझे कन्विंस करने के लिए, जो मैं आज तक डाइजेस्ट नहीं कर पाया।
कह रहा तुमको लव मैरिज ही करनी ना, करो ना, मना थोड़ी कर रहा है, पूरा सपोर्ट है, बस किसी और से कर लो। हाँ एक्चुअली में यही होता है, बस किसी और से, इनको लग रहा बड़ा प्लेबॉय पैदा हो गया। परेशान इलाज का तारीफ किया जा रहा है, बंटी ने कल मंदसूत्र खा लिया, कुछ क्यों खाया यार?
करते, तुमको डिप्रेशन होगा क्या? वीडियो जो है ये एंड हो चुकी है एंड आई रियली एंजॉयड. मैंने कभी भी मैंने देखी नहीं है, मैंने प्रत्युष चौबे की मैंने आज से कभी स्टैंड अप कॉमेडी देखी नहीं है, बट इट वाज अ वेरी नाइस स्टैंड अप कॉमेडी थी. बहुत ही क्लीन और शे कॉमेडी थी एंड काफी एक होता है ना आप एंजॉय कर सकते हो. एंड सबसे बड़ी चीज मुझे इनकी ये लगी कि इन्होंने बहुत ही ज्यादा डार्क टॉपिक्स को मतलब इन्होंने इस तरीके से बताया, मतलब कि गोली मार रहे हैं कोई लाश लेके तो उन्होंने इतने आसानी तरीके से बोल दिए जहां पे मैं सुन के थोड़ा सा शॉक थी. वो वहां बैठ के कहते कि वो जाना नहीं है, हाथ नहीं निकाला वरना हाथ काट देंगे. अरे बाप रे बाप, सीरियसली. बट पार्ट ऑफ दैट मुझे वीडियो बहुत अच्छी लगी, मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी थी ये वाली वीडियो, मुझे काफी फनी लगा. मैंने इनकी कभी कभी इनको वीडियो मैंने देखी नहीं थी, बट इट्स गुड कि मैंने ये वाली वीडियो देखी. मुझे आई थिंक मुझे अभी मैं देखूंगी इनकी कोई भी लेटेस्ट वीडियोस आई गई तो मैं इस पर डेफिनेटली मैं रिएक्शन में जरूर करूंगी. और इसी के साथ वीडियो को यहीं पर हम एंड करते हैं. अगर आप लोगों को रिएक्शन अच्छा लगा प्लीज गाइस लाइक करो, सब्सक्राइब करो और आप मुझे कॉमेंट सेक्शन पर लिख के जरूर बताओ कि आप लोगों को रिएक्शन कैसा लगा.